हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। नीट 2024 इज़ ओवर नाउ, तो अब आप लोग को क्या करना चाहिए? तो जिनके भी सिलेक्शन हो रहे हो, जिनके नहीं भी सिलेक्शन हो रहे हो, तो आप सब लोग को अभी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं तो वो तो काफ़ी खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे, बट जिनके सिलेक्शन नहीं हो रहे वो काफ़ी दुखी होंगे एंड उनको पता भी नहीं चलेगा कब वो डिप्रेशन में जा रहे होंगे, क्योंकि उनके चारों तरफ निगेटिव माहौल होगा। अभी तक तो आपने आंसर की भी मैच कर लिया होगा, तो आपको पता होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, सारे लोग आपसे पूछ रहे होंगे कि कितना मार्क्स आया। एंड इफ़ यू आर नॉट अप टू दैट मार्क, तो आपको बताने में काफ़ी गिल्ट महसूस हो रहा होगा कि कैसे पेरेंट्स को बताएं कि बाहर रह रहे थे इतना, और खुद में भी लगता है कि इतने मेहनत किए एंड इसके बावजूद भी मेरा मार्क्स अप टू लेवल नहीं आया जितना कि आना चाहिए, कुछ कमियां रह जाती हैं। तो इसलिए पहले आप लोग चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि हाँ, कि मेरा नीट हो गया है एंड आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्ट। तो फिर ये जब आप लोग चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, मुझे मेरा अब सिलेक्शन नहीं हो रहा है इस बार, देन थिंग्स कम कि क्या ऐसी चीज़ें रह गई थी आपसे, क्या ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया था, या फिर आपने जो एक दो साल प्रिपरेशन करी है उस दौरान आपने वो चीज़ें नहीं करी थी, वो मिस कर दिए थे, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अभी का टाइम वही है कि आपको थिंक करना है, प्रॉपरली सोचना है कि आपने कहाँ मिस्टेक किया, क्या बाय मिस्टेक कुछ चीज़ें हो गई, या फिर कहाँ आप लैक कर रहे हैं, क्या रीज़न है सिलेक्शन नहीं होने का, वो आपको देखना है। अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हैं, वो चीज़ अगर आपको पता चल जाता है, तो फिर आप सही डिसीजन ले सकते हैं। अभी आपका माइंड इतना स्टेबल नहीं है कि डिसीजन आप ले पाए कि अभी आपको एक ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, कोई अदर लाइन चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए ड्रॉप नहीं हो, आपके लिए कुछ अलग चीज़ें हो, क्योंकि सिर्फ नीट ही सारा चीज़ नहीं होता है, अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। तो आप अदर चीज़ों में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है ये तभी आप सोच पाएंगे जब आपका माइंड स्टेबल होगा। तो अभी चीज़ों को पहले एनालाइज करो कि क्या गलती हुई थी आपसे और क्या कमी रह गई थी जिसके कारण अभी आप इस स्टेज पे हो। तो ये कोई करता नहीं है, बाय मिस्टेक हो जाता है, तो आपको उस चीज़ों को एनालाइज करना है एंड देन डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या करना है। तो अभी हम लोग आते हैं कि स्टूडेंट को तीन कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक तो पहले जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं, तो फिर वो आप लोग चिल करें, रिलैक्स करें एंड काउंसलिंग के लिए प्रोसीजर को देखें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि अच्छे मार्क्स होने के बावजूद आपका अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है जितना भी चाहिए, तो फिर मतलब जो कॉलेज मिलना चाहिए वो कॉलेज नहीं मिल पाता। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दें। तो पहले तो वो कैटेगरीज हो गए, तो उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो अब हम लोग उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनका कि सिलेक्शन लग रहा है कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। और तीसरा कैटेगरीज हो गया कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो उनको पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। तो हम लोग बात करेंगे सेकंड जो कैटेगरी है कि उनका सिलेक्शन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लाइक बॉर्डर लाइन पे है। तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आप थोड़ा दिन रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं, रिज़ल्ट का वेट करिए। हाँ, बट लेकिन साइड में आप थोड़ा सा प्रिपरेशन को रखिए, क्योंकि क्या होता है कि अभी आपने तुरंत नीट दिया तो आपको सारा चीज़ याद है, सारा चीज़ रिकॉल है, बट एक मंथ के बाद वो आपके ऊपर थोड़ा सा धूल जम जाएगा एंड जब आप काउंसलिंग में लग जाएंगे एंड फिर आपको सीट नहीं मिलेगा, देन आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो आप सारा चीज़ भूल चुके होंगे। तो ये गलती ना करें, एक मंथ बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो आप लोग ये मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि 24 आवर में से आप 12 11 आवर पढ़े, नहीं। तो जिनको लग रहा है कि वो बॉर्डर लाइन पे है, तो उनको काउंसलिंग में जाना है और अभी रिज़ल्ट का वेट करें, बट के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी से लग जाना, अभी से ये नहीं सोचना कि नहीं हुआ तो अब तो ऐसा करेंगे कि, मतलब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पहले आप थोड़े दिन वेट करें, थोड़ा दिन दस दिन का आप रिलैक्स लीजिए, पॉज लीजिए, अपने दिमाग को कूल कीजिए एंड देन उसके बाद आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं 10-15 दिन के बाद, आई वुड से, ताकि आपका ब्रशअप होता रहे,
ठीक है, आप चीज़ों को कंप्लीट ना भूलें। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो आपका वो जो अभी नीट से लेकर अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उस टाइम से लेकर के जो काउंसलिंग हुआ उसमें बहुत टाइम होता है, तो वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, तो आप लोग ऐसा कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं जो 10-15 दिन आपको बोल रही हूँ पॉज लेने के लिए, तो उसमें तब तक आप एनालिसिस हो जाएगा कि आपने क्या गलती करी और क्या नहीं करी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक शेड्यूल भी कर सकते हैं प्लान की, हाँ मेरे से ये मिस्टेक्स हो गया, अब इन चीज़ों को नहीं दोहराना है। तो ये बात तो हो गई सेकेंड कैटेगरीज़ के लिए जो बॉर्डर लाइन पे हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड कैटेगरीज़ के बारे में, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनको पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए भी है कि आप पहले 10-15 दिन थोड़ा सा अपने आप को, उसके बाद आप चीज़ों को देखें कि आपने कहाँ मिस्टेक्स की थी जिनकी वजह से आप उस कट ऑफ जोन में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को एक समराइज़ करें, एक पेन कॉपी ले और बैठे और लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको मतलब वो आपके नज़रों से गुजरता है और फिर आपको लगता है कि नहीं मैंने ये गलती करी है, अब मुझे वो चीज़ नहीं करना है। तो आप वो चीज़ एक पेन कॉपी लेके बैठे और लिखें कि मैंने 2 साल में क्या गलती करी और मैंने एग्ज़ाम के टाइम क्या गलती करी है, ठीक है। तो वो चीज़ आप उसको कंपाइल करें एंड देन आप फिर अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो, लेकिन अभी नहीं, वो आपको सोचना है 10-15 दिन के बाद। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए तो बिल्कुल आप ड्रॉप लीजिए। एंड क्या स्ट्रैटेजी आपको प्लान करनी चाहिए, लाइक आप फिर से कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो वो आपका डिसीजन होगा, आप उसको सोचें, ठीक है। अगर आपको उसके बाद लगता है कि नहीं मेरे से नीट नहीं होगा, मुझे किसी अदर लाइन में जाना है, तो इट्स ओके, आप लेकिन अभी मत फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले एंड देन फिर आपको आगे बढ़ना है। और बात रही कि कैसे आगे कंटिन्यू करना है, तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगी कि जो ड्रॉप लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट लेकिन सबका अपना अपना अलग होता है कि उनको, देखिए आपको आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, ठीक है, आपको आपके बारे में ज़्यादा पता होता है। मैं एक आपको आइडिया दे सकती हूँ कि हाँ आप अगर ऐसे हैं तो ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, बट आप एकदम ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करिए, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप उनको सुने, सबको सुनिए, बट आप खुद का एक प्लान बनाइए कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आपको किसी का प्लान अच्छा लग रहा है तो उसको ज़रूर एग्जीक्यूट करिए, लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर उस चीज़ों को, मेरा वीडियो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि अभी काफ़ी हाई टाइम है, अगर आपके बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर आपके बच्चे सेलेक्ट नहीं है, सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो आप प्लीज़ उनका साथ दीजिए, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि उनको आपके साथ की बहुत ज़रूरत होती है, पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, उनके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी उनको इन चीज़ों से उभरना होता है। और अगर एक बार आप डिप्रेशन में चले गए तो उनसे निकलना, उस चीज़ों से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ आप देख रहे हैं अभी यूट्यूब पे चलेगा कि हाँ टॉपर ये है, इसको इतना मार्क्स आ रहा है, तो वो सब चीज़ों को तो वो देख करके बच्चा लाइक हो जाएगा कि मैंने भी तो इतना मेहनत करा था, मैंने भी ये सारी चीज़ें की थी, तो फिर मेरा क्यों नहीं हुआ। तो उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको उनका पिलर बनना है, उनका सपोर्ट बनना है, एंड आपको उन पे भरोसा रखना है कि हाँ वो ज़रूर निकाल लेगा या फिर निकाल लेगी। सो आप उनको सपोर्ट करिए, एंड स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना जाए, 24 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, तो ऑब्वियसली सबका नहीं होना है, उसमें से तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जस्ट आते हैं कि हाँ चलो देख लेते हैं कि क्या होगा, मतलब जस्ट अपीयर हो जाते हैं कि कैसा एग्ज़ाम होता है, तो वैसे लोग होते हैं। और जो कंपटीशन होता है वो 2-3 लाख में हम लोग बोल सकते हैं कि उतने में कंपटीशन होता है, उतने जेन्यून पीपल होते हैं जो कि बहुत दिल लगा करके मेहनत करते हैं, तो अगर उनका नहीं होता तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं।
जाते हैं, बट आपको ही इन चीज़ों से निकलना है, ओवरकम करना है एंड अगेन रेस में आना है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, सारा फील्ड अच्छा होता है। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप नीट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं है, तो जीने का क्या मतलब हुआ, समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना है, ठीक है। ये भी एक प्रोफेशन है, अदर जितने भी लाइन हैं वो भी एक प्रोफेशन है एंड सब अपने आप में बेस्ट है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है एंड चीज़ों को एक्सेप्ट करिए एंड देन एनालाइज करिए, थिंक करिए कि कहाँ क्या कमी रह गई है। और मैं एक वीडियो बना दूँगी कि जो 2025 में स्टूडेंट्स जो अपीयर होंगे जी, या फिर जो ड्रॉप लेंगे, तो उनका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उनका क्या प्लान होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अभी मतलब काफ़ी टाइम है उनके पास, तो उनको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। और जिनको भी लग रहा है कि उनका सिलेक्शन इस पर नहीं होगा, तो 10-15 दिन के बाद आपको फिर से पढ़ाई में लग जाना है। और ये नहीं कि आप मतलब स्टार्टिंग से 10-12 आवर्स पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक शेड्यूल बनाओ, एक आई नो कि शेड्यूल प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाता, बट ट्राई करो फॉलो करने का एंड स्टार्टिंग में 5-6 आवर्स से स्टार्ट करो, क्योंकि लगता है अभी अभी तो दिया है, सब तो आ ही रहा है, तो फिर क्या ही पढ़े, ऐसा एक इशू हो जाता है। एंड थोड़ा सा हेक्टिक भी लगता है कि यार ये सब तो पढ़ा है, अब क्या पढ़े, अब क्या करे। तो इसीलिए आप चीज़ों को ढूंढो कि कहाँ आपने मिस करा है, तो फिर वहाँ से शुरुआत करो। आप अपनी शुरुआत वहाँ से करो कि आपने किन चीज़ों को मिस करा है, क्या गलती हो गई थी, तो जब वहाँ से करेंगे तो एक न्यू चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, तो इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ाई में। अदरवाइज़ अगर आपको जो आ रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे तो फिर बोरिंग सा हो जाएगा, मन नहीं करेगा पढ़ने का। सो या दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो तो जो भी न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जो पुराने हैं उस पर बने रहो। एंड मैं आपके लिए अब ट्राई कर रही हूँ कि नीट से रिलेटेड कुछ कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊं, ताकि आप लोग को हेल्प हो सके, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, बहुत चीज़ें मिस करी है, मिस मतलब कि गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से। तो मैं चाहती हूँ आप लोग के साथ वैसा ना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो, शेयर करो एंड स्टे हेल्दी, गुड, थिंक पॉजिटिव। अगर आप अच्छा सोचोगे तो सब चीज़ अच्छा होगा।